अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी में सैकड़ों असामियों पर भर्ती के लिए इश्तहार अखबार में शाया कर दिया है, लेकिन इन भर्तियों के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, कब करना है और आपने इसके लिए फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और फ़ीस कहाँ डिपॉज़िट करानी है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहली दफ़ा मेरे चैनल नॉलेज जोन को विज़िट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मिलता रहे। दोस्तों, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी में सैकड़ों वैकेंसीज़ का इश्तहार अखबार में दे दिया है, जिसके लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज़ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं ये आपको मैं चीदा चीदा बता देता हूं, क्योंकि वैकेंसीज़ की तादाद सैकड़ों में है, सारी वैकेंसीज़ जो है पढ़कर नहीं सुनाई जा सकती। आपको मैं तरीका इस वीडियो में बता दूंगा कि आपने इस इश्तहार को डाउनलोड कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और बैंक में फ़ीस किस तरह डिपॉज़िट करनी है। दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पर सामने इश्तहार नज़र आ रहा होगा, इसमें जो वैकेंसीज़ हैं उनकी तादाद भी बताई गई है, पे स्केल भी बताया गया है, एज भी बताई गई है, एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो भी बताई गई है इसमें। साथ ही जो पोस्टें हैं, जो डिजिग्नेशन है, उनकी चीदा चीदा आपको मैं तफसील बताता हूँ। नंबर एक पर है जनरल मैनेजर कल्चर एंड टूरिज़्म, जनरल मैनेजर इन्वेस्टमेंट, डेप्टी डायरेक्टर लीगल एंड काउंसिल। इस तरह ये कोई सैकड़ों की तादाद में वैकेंसीज़ हैं जो कि आपको स्क्रीन पर इश्तहार में नज़र आ रही होंगी। ये इश्तहार जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप ख़ुद भी इन वैकेंसीज़ की डिटेल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, 54 यानी कि 54 किस्म की ये वैकेंसीज़ हैं जिनकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैं आखिरी सफ़े पर चलता हूँ। टोटल इन वैकेंसीज़ के PDF फाइल में 5 सफ़ात हैं। मैं आखिरी सफ़े पर आपको चीदा चीदा वैकेंसीज़ की डिटेल बताता हूँ। 47 पर है सिक्योरिटी गार्ड्स, प्लम्बर्स, वेटर्स, कुक, डिस्पैच राइडर, माली, नायब कासद, स्वीपर। यानी कि आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं और एक से ज़्यादा वैकेंसी पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने दरख्वास्त अलग-अलग देनी है। एक ही दरख्वास्त में आप 2 वैकेंसियों पर अप्लाई नहीं कर सकते, हर वैकेंसी के लिए आपने अलग-अलग अप्लाई करना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपने इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कहाँ और कैसे करना है। तो एक वेबसाइट है CTSP, कैरियर टेस्टिंग सर्विसेज पाकिस्तान .com.pk, CTSP.com.pk। यहाँ पर आपने या तो ऑनलाइन अप्लाई करना है या आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट फ़ी जो है उसके साथ डिपॉज़िट स्लिप आपको मिलेगी, वो आपने ऑनलाइन जो है जमा तो नहीं हो सकती, वो आपने बैंक्स में जमा करनी है, HBL, UBL, NBP। तो यहाँ पर आपने डिपॉज़िट स्लिप के साथ आपने जमा कर देनी है फ़ीस। और अब आपको बताता हूँ कि आप जब CTSP.com.pk, आपको स्क्रीन पर वेबसाइट नज़र आ रही होगी, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के नीचे पहला ऑप्शन आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़्म अथॉरिटी टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। उसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का जो है तरीका भी यहाँ पर मौजूद है, लास्ट डेट जो है वो भी लिखी हुई है। आपने अगर आपके मोबाइल में PDF सपोर्टेड मोबाइल है फिर तो ठीक है, नहीं तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। उसके बाद ये आपके मोबाइल में पूरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो जाएगी, फिर आप उसको पढ़कर अपनी मर्ज़ी से अपने क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक अप्लाई करें। इसके अलावा दोस्तों, जब आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे आखिर में फॉर्म के यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई,
यहाँ पर आपको सारा तरीका बताया गया है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो तमाम बेरोज़गार अफराद में शेयर करें या ऐसे अफराद में शेयर करें जो कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जॉब हासिल करना चाहते हैं। शुक्रिया।